मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल पर सोमवार को 6 श्रमिक स्पेशल ट्रेनों से लगभग 8,000 श्रमिक गोरखपुर पहुंचे। इस दौरान मजदूरों को ट्रेन से उतारने के बाद एक एक मीटर की दूरी के घेरे में खड़ा करके बारी बारी से उनकी थर्मल स्कैनिंग की गई और उनका नाम पता नोट किया गया। उसके बाद जिला वाइज उनके जिलों की बसों में बैठाकर उनके गंतव्य के लिए रवाना किया गया। बसों में सोशल डिस्टेंस को ध्यान में रखते हुए एक बस में 25 यात्रियों को ही बैठाया गया। इस संबंध में एडीएम सिटी राकेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि श्रमिकों की जांच के लिए 13 काउंटर बनाया गया है और मजदूरों को उनके जिलों में भेजने के लिए 300 बसों को लगाया गया है। सभी मजदूरों को थर्मल स्कैनिंग के बाद फल व बिस्किट और पानी वितरित किया गया। सोशल डिस्टेंस को ध्यान में रखते हुए 25 मजदूरों को उनके जिलों की बसों में बैठाकर उनके गंतव्य के लिए रवाना किया गया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए श्रमिक शैलेंद्र यादव व रमेश चौहान और एडीएम सिटी राकेश कुमार श्रीवास्तव ने कहा, बढ़ते रहेंगे। कहाँ जाना है? चलते रहिए। के लिए 1 से 7 नंबर की बसें हैं। गोरखपुर जनपद के लिए 1 से 7 नंबर की बसें लगाई गई है और सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए आप लोग आगे बढ़िए, चलते रहिए। कहाँ जाना है? जाना कहाँ है बोलिए। डिस्ट्रिक्ट गोंडा, गोंडा जाना है। बलरामपुर गोंडा बहराइच श्रावस्ती 35, 36, 48 नंबर की बसें हैं। 35, 36, 48 गोंडा जाने के लिए। गोंडा जाइए, गोंडा, गोंडा, गोंडा जाइए, गोंडा। इटापुर के लिए मिर्जापुर, इटावा, मथुरा, आगरा। गोरखपुर के लोग 1 से 7 नंबर बस में बैठेंगे। अमेठी 39 नंबर, रायबरेली 41 नंबर, मथुरा आगरा 60 नंबर, इटावा 58 नंबर बस बैठेंगे। मिर्जापुर
जालौन औरैया सोलेंदर यादव अहमदाबाद से। कहाँ जाएंगे? बस्ती वहाँ रुदौली। अभी योगी सरकार के द्वारा घर तक बुलाया जा रहा, घर पहुँचाया जा रहा, कैसा लगा? बढ़िया लगा। रमेश चौहान अहमदाबाद से। कहाँ जाएंगे आप? जौनपुर जिला। सरकार के द्वारा आपको मुफ्त बस सेवा उपलब्ध कराएगी, वहाँ से मंगाया गया है आपको, घर पहुँचाया जा रहा, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। सरकार के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? योगी सरकार बहुत अच्छा है। योगी सरकार अहमदाबाद से ये ट्रेन आज गोरखपुर के स्टेशन पर आई है। लगभग 1250 के आसपास इसमें यात्री हैं। सभी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए एक कोच में 50 यात्री बिठाए जा रहे हैं और स्टेशन पर उतरने के बाद उन्हें गोलों में खड़ा करके स्कैनर तक लाया जाता है, जहां पर स्कैनिंग करने के बाद जिनका टेम्परेचर नॉर्मल होता है उनको आगे टेबल पर रजिस्ट्रेशन के लिए भेजा जाता है। 13 टेबलें लगी हुई हैं जो नाम, पता, मोबाइल नंबर, पिता का नाम, आधार कार्ड नंबर, ये सब दर्ज करती हैं और वो वहाँ पर क्या कर रहे थे यात्री अहमदाबाद में, ये सब उनका क्या कारीगरी थी या क्या काम करते थे वो दर्ज किया जाता है। इसके बाद उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से संबंधित जनपद की बसों में बैठाकर सुरक्षित उनको रिफ्रेशमेंट देते हुए, पूरी सब्जी या इस तरह का कोई भी खाद्य सामग्री देते हुए, पानी देते हुए रवाना किया जा रहा है। कितने बसों को लगाया, कितने जांच सेंटर बनाए? इस समय 300 बसें रिजर्व में हैं हमारे पास और पूरी व्यवस्था है, कोई बसों की कोई किल्लत नहीं है। जांच काउंटर कितने बनाए? 13 जांच काउंटर हैं जिस पर स्कैनर लगे हुए हैं, रजिस्ट्रेशन के लोग बैठे हैं।